गर्मा की गर्मी, धूप, खुश्की, धूल, मिट्टी चेहरे की जल्द को बेहद नुकसान पहुंचाती है। जल्द झुलस जाती है, रंगत स्याह पड़ जाती है और चेहरे के मसाम में मैल कचैल घुस जाती है, जो कील मुहासों का बायस बनती हैं। इन कील मुहासों को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हम मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें वगैरह का इस्तेमाल करें। वेलकम टू माई चैनल। इन्हीं सब मसाइल के हल के लिए आज मैं आपके साथ एक फेशियल के बारे में बात करूंगा। मैं स्पेसिफिक ये नहीं कह रहा कि आप इसी कंपनी का और यही इस्तेमाल करें। आप किसी भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी अच्छी है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी स्किन के ऊपर सूट करे। आज मैं सिर्फ आपके साथ स्किन ग्रो इन्हीं सब मसाइल के लिए आज मैं आपके साथ एक फेशियल के बारे में बात करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्पेसिफिक ये जो फेशियल है इसी को इस्तेमाल करें। आप किसी भी कंपनी का फेशियल इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी स्किन पे सूट करे। आज मैं आपके साथ सिर्फ जो है स्किन ग्रो फेशियल के बारे में और फेशियल करने के बारे में बात करूंगा कि फेशियल करना क्यों ज़रूरी होता है। नाज़रीन, ख़वातीन अपने चेहरे की क्लिनजिंग में अक्सर औकात सुस्ती से काम लेती हैं, जिससे चेहरे पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और चेहरे की सारी खूबसूरती मार पड़ जाती है। फिर ख़वातीन जो है डॉक्टर के चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं, जहां पैसे का ज़िया भी होता है और चेहरा मज़ीद ख़राब होता है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयां चेहरे पर मुज़र असरात मरतब करती हैं। अगर आप थोड़ी सी अकलमंदी से काम लें तो चेहरा खूबसूरत बना सकते हैं। घर में ही दूध की बलाई या खाने के दो चम्मच शहद में डालकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जो फेशियल मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके साथ भी आप फेशियल कर सकते हैं। घर में मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके हैं फेशियल करने के। अगर आप जो हैं देसी तरीक़ों से करना चाहते हैं तो वो भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं, उसके ऊपर भी फिर कभी मैं वीडियो तफसील के साथ बनाऊँगा। आज सिर्फ मैं आपके साथ जो है स्किन ग्लो के बारे में बात करूँगा। स्किन ग्लो वाइटनिंग फेशियल जो है वन स्टेप फेशियल है। इसके अंदर ब्लीच क्रीम और स्क्रब जो है मुकम्मल फेशियल के साथ है। सिर्फ चंद मिनटों में आप इससे स्किन को वाइट और फेयर कर सकते हैं। नाज़रीन, इनका कहना है कि इन जस्ट फ्यू मिनट प्योर हर्बल प्रोडक्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स 22 in 1, यानी कि इनका कहना है कुछ मिनटों में आप स्किन जो है इसको वाइट और ग्लो कर सकते हैं। इसके अंदर हर्बल जो है इंग्रीडियंट्स डाले गए हैं जो कि स्किन को खूबसूरत बनाते हैं बगैर किसी साइड इफेक्ट के। दौरे जदीद में तेज़ी से गुजरते हुए वक्त के मद्देनज़र स्किन ग्लो माहरीन ने तैयार किया है आपके लिए स्किन ग्लो वाइटनिंग वन स्टेप फेशियल, जो एक स्टेप में आपके मुकम्मल फेशियल के लिए काफ़ी है। यानी अब ब्लीच और फेशियल करने वाले दूसरी क्रीमों की ज़रूरत नहीं। स्किन ग्लो ने बनाया फेशियल करना अब बहुत ही आसान। इसके इस्तेमाल से आप चंद मिनटों में स्किन ग्लो वाइटनिंग जो है कर सकते हैं। इसके अंदर जो है बाई अनमोल अज्जा का मरकब है, यानी कि इनका कहना है कि बाई जो है हर्बल इंग्रेडिएंट्स इन्होंने इसके अंदर ऐड किए हैं, जिससे आपकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होता है। इसके अलावा नाज़रीन, जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें वो क्या क्या है, इनका कहना है कि विटामिन ए सी, इसके अलावा कुकुम्बर के एक्सट्राइट, लेमन एक्सट्राइट, बकरी का दूध, बादाम, शहद, दही, संदर, ज़ाफ़रान क्लिनजिंग स्क्रब, ब्लीच, स्किन शाइनर, मसाज क्रीम वगैरह और जर्मनी से दरामद शुदा आयल जो रखे आपकी स्किन को क्लीन और नीट। अगर आप जो है इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको खुद वक्त के अंदर ही आपको इससे वाजिया जो है फ़र्क महसूस होगा, ये कंपनी वाले ब्लेम करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इसकी पैकिंग इस तरह की आती है और ये जो है एक बॉक्स है जिसके अंदर जो है 24 पीस होते हैं और पर पीस जो है इसकी कीमत जो है 50 है इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा नाज़रीन, इसकी और भी बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्ट आती हैं मार्केट में, जिनके ऊपर मैं बाद में फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने इस वीडियो में कुछ चीज़ मिस कर दी हो या आपको कोई चीज़ और जाननी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। मज़ीद मालूमात के लिए भी आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं किसी और प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रेगुलर आप तक मेरी वीडियो पहुंच सके। अगर आपके माइंड में कोई और मशवरा हो मेरे मतलब या वीडियो के मतलब इससे कि मैं किस तरह की वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मेरे साथ जो है शेयर कर सकते हैं।